क्यों करना जुबा पर हो तहमीद ओ सना तेरी, दिल महवे नवा तेरा जामदा सरा तेरी। खोलो थोड़ी सी आवाज अनल हक से, गाफिल हूं तो क्यों कर हूं, हर एक सिरे मुंह से आती है सदा तेरी। ये पर्दे में छुपने के अंदाज निराले हैं, ये पर्दे में छुपने के अंदाज निराले हैं, हर जर्रे में रक्सा है तामीर ज़िया तेरी। मुझे स्वातिन हज़रात, खुदाए बुजुर्ग बरतर की तारीफ और तौसीफ के साथ हमारी इस खूबसूरत तकरीब का आगाज हो चुका है। नाउ एंटरटेनमेंट और ग्राफिक मीडिया की जानिब से शकील ज़ाहिद तमाम मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद कहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान के एक ऐसे लेजेंड के नाम ये शाम तरतीब दी गई है, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, शाहिद हमीद। तालियां आपकी कम है, अगर स्टैंडिंग ओवेशन होगी तो बहुत अच्छा लगेगा। आल क्लासों की खुशकिस्मती है कि आज इतने बड़े फनकार, पाकिस्तान का लेजेंड अदाकार आज हमारे दरमियान मौजूद है कि वो तशरीफ लाए और तलावत कलाम पाक से मुस्तफीज फरमाएं। آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله शाह साहब मेरे पसंदीदा जो हीरो और एक्टर्स थे उनमें रहे हैं। मुझे यहाँ यूरोप में आप तकरीबन मोर देन 40 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन शाह साहब का नाम अभी तक पूरी तरह मेरे जहन में है, उनकी एक्टिंग। इन लोगों के साथ ये जो उस वक्त के हीरो से मेरी अपनी एक बड़ी वाबस्तगी सी है। इट वॉज़ दी एज ऑफ अबाउट 8 or 9 ईयर्स ऑफ एज जब मैं यहाँ पर आया था, तो एकदम एक कल्चरल शॉक मिली हमें, कुछ भी नहीं था यहाँ पर, तो चाहत थी कि कुछ अपनी चीज़ पाकिस्तानी चीज़ हमारे साथ हो। तो वैसे भी हम ईस्ट एंड ऑफ ग्लासगो में रहते थे, तो इस तरह से हमने अपनी उर्दू भी सही की और उर्दू बोलनी भी शुरू की, सीखनी भी शुरू की, गाना भी शुरू किया। तो दैट इज़ वाई कि ये जो थोड़ा सा अभी क्लिप लगे थे गाने के, अमजद भाई बैठे थे, हम बड़े इस चीज़ को मस्ती से गुनगुना रहे थे। तो मेरा ख्याल है जितने ही इनके गाने होंगे और मोहम्मद अली साहब के भाई, सारे ही हमें ज़बानी आते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू जी। नजदीक तराते गए पहले दिल, फिर दिल नुबा, फिर दिल के मेहमान हो गए। रफ्ता रफ्ता हो मेरी हस्ती का सामा हो गए। तेरे कई साल ना होंगे सवेरे, कयामत जगाते हैं तेरे कदम। बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, कोई दूसरा तुझसा मुमकिन नहीं है, बना के मुसव्विर ने तोड़ा कलम। बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। ये के सारी फ्रेंड्स मेरे से नाराज हैं कि जी आप हमें बुलाए, अगर एक को बुलाऊं तो 10 आती हैं। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा इंशाल्लाह नेक्स्ट भी अल्लाह हमारी ज़िंदगी रखे तो हम उनको फिर मदु करेंगे, तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। असल में ये कहते हैं कि इंसान जो है वो ज़िंदा वही रहता है जो दिलों में ज़िंदा रहता है। तो मेरा ख्याल है कि इतने बड़े लेजेंड हैं माशाल्लाह कि हर दिल जो है इनके नाम पे धड़कना शुरू हो जाते हैं, वो लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि कोई इंसान दिलों में घर कर ले। लेकिन हम तहे दिल से शाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, से सलामती के साथ हम दुआ गो हैं। आप बहुत प्यारी शख्सियत हैं, बहुत प्यारे अदाकार हैं। जो मेरी खाला के जज्बात थे वो मेरी तरफ से भी समझ में आ आप भी प्यार करती हैं।
पंजाबी भी कह रहा था कि शाहद हमारे दिलों की जान, शाहद हमारे हीरो। तो मैं फील कर रहा था कि मेरे बारे में भी चले। और दूसरी बात यह है कि जवाहर किशोर सुभाष साहब ने कहा है, मेरा ख्याल है ये सारी खवातीन को आप खाला ही समझें, ये खाला बने जो बाप हैं। और माशाल्लाह जितने जेंट्स और उस ज़माने में अरूज था हमारी फिल्म इंडस्ट्री का। और जब हम छोड़ के आए यहाँ पे, जब वापस हम यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे भी एक सिनेमा था जो जिसमें दो फिल्में लगती थी, एक पाकिस्तानी और एक इंडियन। तो हम जाते थे हर संडे देखने के लिए। जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए, आपसे फिर तुम हुए, फिर तू कौन हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा। से ही मेरे हीरो हैं और उसके बाद मैंने इनकी कई और फिल्में भी देखी और ये उस वक्त से मेरे हीरो हैं और आज भी हैं। अल्लाह ताला इन्हें लंबी जिंदगी और सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। इंतहा है तेरी हम्द व सना अल्हम्दुलिल्लाह के तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। Nevertheless, शाहिद साहब इनके दौर के जो लोग थे वो अपनी ज़ात में एक अनमोल हीरो थे और इन्होंने पाकिस्तान का नाम नो डाउट दुनिया भर में रोशन किया है और इस पर हमें जो है वो फ़ख्र भी है। अच्छा, शकील ज़ाहिर साहब ने जैसे ही जिक्र किया मेरे साथ, तो मैंने कहा कि ठीक है हमारे पास तो ये हॉल ही अवेलेबल है, आप प्लीज़ गो अहेड। तो शकील साहब, इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए बिकॉज यही तरीका है कि हम पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है वो आप लोगों के सामने हाईलाइट कर सकते हैं। थैंक यू। और स्पेशली आई एम वेरी थैंकफुल टू माय ऑनरेबल माय कौंसल जनरल सबर खान साहब। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि फॉर द फर्स्ट टाइम 75 इयर्स किसी आर्टिस्ट का किसी कॉन्सर्ट किसी एम्बेसी के अंदर उसकी बर्थडे मनाई गई और इतना ह्यूज रिसेप्शन दिया गया कि आई विल नेवर फॉरगेट। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू और ख़ास तौर पर राज साहब का, शकील भाई का और जितने मेरे यहाँ बैठे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच प्लीज। शाह भाई का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए और इस महफिल को जो है ना रौनक दी। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ, इसके अलावा तो और शायद मैं ना कह सकूं। तो थैंक यू सो मच सब लोगों का, शुक्रिया। सालगिरह का दिन आया है, ओ सालगिरह का दिन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू शाहिद, हैप्पी बर्थडे।